हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फीट इंडिया द पोएम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे इज क्वाइट फेमस बाई टी एस एलियट कॉल्ड जेरोशन तो चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू द पोएम ना तो जो पोएम है हमारी जिरॉन्शन पहली दफ़ा नाइनटीन ट्वेंटी में पब्लिश हुई थी इन पोएट्री कलेक्शन आर वॉज प्रेक आई एम सॉरी आई डो नॉट नो दोनाशन आई एम जस्ट प्रोनाउसिंग जैसा वो लिखा है आई माइट बी रॉन्ग सो फील फ्री टू करेक्ट मी तो आर वोज प्रैक उनकी पोएट्री कलेक्शन जो लंडन में पब्लिश हुई थी उसका नाम था और पोएम्स में जो पब्लिश हुई थी नाइनटीन ट्वेंटी में तो वो सिमिलटेनियसली न्यूयॉर्क में उनका जो पोएट्री कलेक्शन पब्लिश हुआ था सो तो दो जगह लंडन एंड इन न्यूयॉर्क तो लंडन में इस वाली collection में आरा में, and New York में, in the poetry collection named Poems, जो है, वो एक Greek word से आता है जिसका मीनिंग है लिटिल ओल्ड मैन एंड द पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामेटिक मोनोलॉग अगर बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं तो ड्रामेटिक मोनोलॉग एक तरीके की पोएट्री होता है जो कि एक इंडिविजुअल कैरेक्टर की स्पीच के फॉर्म में लिखी जाती है रॉबर्ट ब्राउनिंग इफ यू नो द नेम तो वो अपने रोमांटिक मोनोलॉग्स के लिए काफी फेमस है जिनका माई लास्ट टचेस पोर्फीरिया लवर एंड अदर ड्रोमैटिक मोनोलॉग्स उनके बहुत फेमस हैं तो जो हमारी ये पोएम है जोरॉन्शन वो एक बुजुर्ग आदमी का ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि डिस्क्राइब करता है यूरोप वर्ल्ड वॉर वन के बाद तो जो हमारी ये पोएम है ना, इसमें हमें यूरोप के बारे में बताया गया है यूरोप का डिस्क्रिप्शन दिया गया है आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन थ्रू द आईज ऑफ दिस एल्डरली मैन जिसने अपनी ज्यादातर जिंदगी जो है वो नाइनटीन सेंचुरी में गुजारी है

तो जो ये हमारा एपिग्राफ है जो ऊपर की तीन लाइंस हैं हैज नो यूथ नॉर एज बट एज इट वर एंड आफ्टर डिनर स्लीप ड्रीमिंग ऑफ बोथ तो जो ड्यूक है प्ले के अंदर जो ड्यूक है वो ये वाली लाइन क्लोडियो से बोलता है जो एक यंग आदमी है जिसको डेथ सेंटेंस दिया गया है तो जो ड्यूक है वो क्लॉडियो को एडवाइस करता है कि लाइफ को बहुत हाई वैल्यू ना करे बिकॉज जो लाइफ है दैट इज़ ओनली कॉन्फ्लिक्ट इनसिक्योरिटी एंड कावर्डस तो जो एलियट हैं वो इन लाइंस को यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए जो वाली फीलिंग्स हैं वर्ल्ड वॉर की वजह से Gerontian, जो हमारा कैरेक्टर है वो एक ऐसे सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करता है जहां पर कोई ह्यूमन वैल्यूज नहीं बची हैं इफ यू वुड रिमेम्बर दीज आर द सेम थीम्स जो कि उनके वेस्टलैंड में भी आती हैं आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट इफ यू वांट देन यू कैन रेफर टू दैट वीडियो आल्सो तो जो जेरोशन के आसपास की दुनिया है वहां पर कोई भी sense of community nahi and it is spiritually dry now again the similar thing that he talks about in wasteland spiritual dryness see

कहीं पर कर पाते हैं दैट इज ऑलवेज अ गुड थिंग सो यू कैन इंकारपोरेट दिस इन योर आंसर्स नाउ दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ द पोएम तो इस फर्स्ट आंसर के अंदर जो स्पीकर है वो खुद को लोकेट करता है और एक ओल्ड आदमी है वहां पर जो यू नो हु तो वो नहीं बताता कि वो ये लड़का कौन है लेकिन वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी कोई और आइटम जितने भी उसकी सराउंडिंग में है एंड ही इज वेटिंग फॉर रेन अगेन दैट रेन वुड सिंबलाइज स्पिर so तो ये जो जगह थी थर्मोपाइले ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह थी एंशियंट ग्रीस में जो की काफी बैटल हुई थी वहां पर तो अगेन यहां पर रेफरेंस क्या है टू दर्ल्ड वॉर अगेन सो लाइन वो अगेन जो ये वॉर लाइक सिचुएशन है इसी को डिस्क्राइब करते हैं अब ये जो इमेजेस इमेजेस हैं हैं फाइटिंग इन द मार्श हीविंग अ कट ग्लास बहुत और पेनफुल तो एलियट यहाँ पर की जो टेक्निक है उसको यूज करते हैं ताकि वो जुरॉनशन की प्रेजेंट सिचुएशन को वॉर के साथ कंपेयर कर सके अभी जो जुरॉनशन है वो एक डीकेड हाउस में है वो डीके हो नहीं रहा है ऑलरेडी हो चुका है बिकॉज जो उसकी लाइफ है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है जो ओल्ड मैन है ये जो Gerontian है वो जोरो पर किराए पर रहता है तो जब ये पोएट यहाँ पर डीके हाउस वगैरह के बारे में बात करता है ना तो वो जो यूरोप का कंटेम्प्री सिचुएशन है उसके प्रति डिस्गस जाहिर करता है वो ऑल्सो मेंशन करता है दो इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ बेल्जियम एंड इंग्लैंड ब्रसल्स एंड आंटवर्क तो ये जो दोनों टाउन्स थे दे है ट्रेड रिलेशन विद लंडन जो ये वर्ड स्टेमिनेट है ये एक फ्रेंच वर्ड है कैफे के लिए इंग्लिश में सोल्जर्स यूज करते थे और वो सोल्जर्स जो फ्रांस और बेल्जियम से वापस आए थे ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो नेक्स्ट लाइन्स के अंदर जो पोइट है वो लाइफ डिस्क्राइब करते हैं कि वो युद्ध के दौरान जो लाइफ थी उन इयर्स के दौरान जो लाइफ थी वो कैसी थी और अपना जो डिस्गस्ट है वो दोबारा फिर से एक्सप्रेस करते हैं थ्रू वर्ड्स लाइक पीविश गटर वो खुद को डिस्क्राइब करते हैं एज अ डल हेड अमंग विंडी स्पेसेस तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो अल्यूट करती है यू नो टू दैट एम्पटीनेस जिससे आप नहीं बच सकते और द इनएबिलिटी उसको फिल करने का कि वो जो एमटीनेस है वो जो खालीपन है सूनापन पन है उसको फिल करने की इनेबिलिटी। नाउ टू है ये रेफरेंस है बाइबल को पोएट यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ प्रेजेंट इवल सिचुएशन में ही साइंस को वंडर्स के तौर पर लिया जाता है साइंस आर टेकन फॉर वंडर्स एज ही दिस फर्स्ट लाइन हियर यहाँ पर जो साइंस है दैट मींस मिरिकल्स तो वो इन लाइंस में विश करते हैं कि काश वो जो रिलीजियस और इंसानियत वाली वैल्यूज हैं वो सोसाइटी में प्रिवेल करती नाउ इन स्टैंडा थ्री दिस वन इन लाइंस में जो पोएट हैं वो सोसाइटी में जो ह्यूमन वैल्यूज बिल्कुल डिग्रेड हो चुकी हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं ये जो वर्ड है डिप्रेव दिस मीन्स करप्टेड और ये जो मे आता है यहाँ पर जो मे का महीना है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर कि जो लाइफ का रिजुविनेशन होगा रिसर्जेंस होगा जैसे कि सर्दियों के बाद होता है रिमेम्बर इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड फेमस लाइंस लाइंस फ्रॉम पी बी शैलीज टू द दस्टमेंट जो ये दो वर्ड्स है डॉगवुड एंड चेस्टनट ये दोनों फ्लावर्स के नाम हैं जो कन्वे करते हैं एन आइडिया ऑफ सेंशुअलिटी ऑल्सो दिस जूडस तो ये जो जूडस है जूडस भी एक प्लांट का ही नाम है एंड इफ यू वुड नो जो बाइबल में कैरेक्टर था जूडस दिस इज सेम एज दैट और वो जो बाइबल जूडस था ही वॉज नोन फॉर द ट्रेचरी सो जो ये एक्सप्रेशन बनता है जूडस ये सिंबलाइज करता है कि जो सोसाइटी में बढ़ती हुई ट्रेचरी है उसको ऑल्सो जो ये थर्ड स्टांसा की लाइन वन है इसमें जो ये वर्ड में है दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट रेनेसो तो ये वाली जो फर्स्ट लाइन है स्टांजा की वो एक्सप्रेस करती है कि एक सिविलाइजेशन जिसको क्रिएट किया गया था एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेनेसो यहाँ पर सिर्फ करप्शन और ट्रेचरी है और रेनेसा का जो आइडिया है उसको इवोक किया गया है डिस्गस्ट एक्सप्रेस करने के लिए फॉर द रेनेसा एंड द मॉडर्निस्ट आइडियाज जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ था नाउ द नेक्स्ट लाइन टू बी ईटन टू बी डिवाइडेड टू बी ड्रंक बाय मिस्टर सिल्वेरो ये अल्यूट करता है टू द क्रिश्चियन सेरेमनी ऑफ यूकुरस जहां पर जो लोग हैं वो इस सेरेमनी में ब्रेड के पीसेस खाते हैं जो कि सिंबलाइज करता है क्राइस्ट की बॉडी को और वाइन पीते हैं जो जो सिंबलाइज करता है क्राइस्ट के ब्लड को तो जो लोग हैं दे आर सपोज टू ड्रॉ नरिशमेंट क्राइस्ट से लेकिन पोएम के कॉन्टेक्स में जो कंटेम्प्री सोसाइटी के लोग हैं वो कहा से नरिशमेंट ले रहे हैं करप्शन और ट्रेचरी से जो सोसाइटी में प्रिवेल करती है वहां से मिस्टर सिल्वेरो जो है पोएम के अंदर वो एक इमेजेंट आदमी है फ्रॉम द सराउंडिंग जो कि नरिशमेंट लेता है फ्रॉम फ्रॉमिटी और ट्रेचरी अगेन जो सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करती है उसमें से ऑल्सो दिस वर्ड हियर लोमोजे प्रोनाशियशन इसका क्या है लोमोजे एक फ्रेंच टाउन का नाम है जो कि अपने पोसिलन वेयर के लिए अगेन द अपने पोसिलन वेयर के लिए जानी जाती है ओक बैरल्स के लिए जो कि लिएनिया प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए जानी जाती है तो कहते हैं पोएम के अंदर कि अगर मिस्टर सिल्वेरो एक लमोजे जैसी जगह को भी विजिट करेंगे तो वो वहां पर भी ब्यूटी अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे उनके जो हैंड्स हैं कैसे हैंड्स हैं, वो सिर्फ जो उनके ऑब्जेक्ट्स हैं के है, सेंशुअलिटी को ही फील करेंगे एंड दैट इज वाई आई से जो मिस्टर है वो अपनी नरिशमेंट जो सोसाइटी के अंदर वेलगैरिटी है उससे डिराइव करते हैं नाउ नेक्स्ट स्टांजा स्टांजा फोर के अंदर फर्स्ट लाइन में एक और इमेजिन फॉरन फिगर है जिसका नाम हाका गवा है हु इज अमंग प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड हियर इज टिशंस टिशन जो जो थे, थे, वो एक कि अपनी इज पोर्ट्रे के लिए जाने जाते थे किनकी खूबसूरत औरतों की जो वो idealized portrait बनाते थे, उनके लिए दस जो टिशन है, वो सिंबलाइज करता है उस सेंशुअल ब्यूटी का पोर्ट्रेयल और जो हका गवाह है ही इज अमंग लाइक्स ऑफ टिशन अब नेक्स्ट लाइन में आती है मैडम डी टोंक्वेस्ट प्रोनाउंसिएशन मैडम डी टोंक्वेस्ट अब ये जो मैडम डी टोन है एक और इमेजेंड कैरेक्टर है वो क्या कर रही है कि वो एक डार्क रूम के अंदर कैंडल्स शिफ्ट कर रही है एंड देयर वो को, उसको कोई भी लाइट या कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं मिल रहा उस कैंडल लाइट से ना ही वो इन्वॉल्व हो रही है उस एक चर्च लाइक रिलीजियस सराउंडिंग में जहाँ पे जब आप कैंडल्स जलाते हो और प्लेस करते हो फॉर रिसीविंग द ग्रेस now in the next line this is another character fraulien von kulp i do not know the pronunciation again so i'm sorry if i pronounced it wrong please feel free to correct me again तो ये एक और इमेजिन फीमेल कैरेक्टर है विद जर्मेनिक नेम जो कि फेथ को रिजेक्ट करती है नेक्स्ट लाइन में वो बोलता है विंड जिसका मतलब अगेन यही है कि कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा और कोई सब्सटेंस नहीं है कुछ भी वजन नहीं है किसी भी चीज में जो भी आसपास हो रहा है इन द नेक्स्ट लाइन आई हैव घोस्ट जो कि अगेन सिग्निफाई करता है कि कुछ भी जो सुपर नेचुरल है उसके अंदर डिसबिलीफ उसमें ना यकीन रखना तो ये क्या सिंबलाइज करता है कि जो राशनलिज्म है दैट हैज बिकम सुपीरियर और ज जब एस्टैब्लिश हो गया है तो रिलीजियस फेथ के लिए या वैल्यूज के लिए कोई जगह नहीं बची है और जो ये सिचुएशन है उस सिचुएशन की वजह से जो जिरोशन हमारा जो कैरेक्टर है वो एक ऐसे घर में रह रहा है जिसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है एन ओल्ड मैन इन अ ड्रॉटी हाउस अंडर विंडी नोब तो ये जो घर है दिस ड्रॉटी हाउस ये अब एक्सपोज है टू द गस्ट ऑफ विंड इवन अगर आप देखें जो नॉब है उसको भी क्या बोला गया है कि वो विंडी है which again means कि जो है, जो है 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 दरवाजा वो भी exposed है, और जो बाहर से आने वाली विंड है उसको नहीं रोक सकता तो अगर अब आप देखें यहाँ पर इस डांसा में और इससे पहले वाले इस में आपको चार कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए मिस्टर सिल्वेरो जो कि शायद किसी पोर्चुगीज या स्पेनिश या इटालियन डिसेंट से आते हैं हाकागावा जो कि शायद जापनीज ओरिजिन के जापनीज ओरिजिन का हो सकता है मैडम डी टोंगक्वेस्ट विच शी माइट बी अ वुमन ऑफ फ्रेंच ओरिजिन और जो फ्राउलिन वॉन कल्प है शी माइट बी अ वुमन विथ जर्मेनिक ओरिजिन तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं फॉरेन ओरिजिन के ये एक आइसोलेटेड आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसा लगता है कि ये सब जो भी हैं, इन्होंने डेजोलेशन को इनहेरिट किया है ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये एक ऐसी सोशल और हिस्टोरिकल सिचुएशन में फंसे हैं, तक हैं जहाँ पर इनके पास कम्युनिकेट करने के लिए कुछ नहीं है एंड ये ऐसा लगता है कि वनरेबल है हमारे जुरॉनशन की जो हमारा कैरेक्टर है जुरॉनशन की तरह जो कि एक ऐसे घर में रह रहा है जो उसको हवाओं से भी नहीं बचा सकता ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं जो अलग अलग ओरिजिन से अलग अलग जगहों से आते हैं वो सिंबलाइज करते हैं अमेरिका में जो डेजोलेशन है जो आइसोलेशन है अमेरिका के अंदर जहां पर लोग जहाँ पर अलग अलग ओरिजिन्स के लोग आकर रहते हैं इन लोगों ने अपना फेथ खो दिया है अपना ट्रेडिशन खो दिया है और उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है उनके पास फ्रॉम वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन उस सोसाइटी के अंदर जो कि रैशनल है लेकिन वैल्यूज नहीं है उनके पास एंड यही रैशनलिज्म की वजह से यू नो दैट रिजल्टेड इन द वर्ल्ड वॉर एंड इन द नेक्स्ट लाइन पोइट क्वेश्चन करता है इस रैशनलिज्म को और ये सारी जो नॉलेज गेन करी है इन दिस प्रोसेस क्या कह के आफ्टर सच नॉलेज वॉट गिवनेस के ये सारे रैशनलिस्ट नॉलेज के साथ जो उसने इतना रैशनलिज्म है अब मैन के पास जो वो अब इतना रैशनल हो गया है जो मैन है वो उसने भगवान से मुंह फेर लिया है एंड देयरफॉर ही कैन नॉट एक्सपेक्ट के उसे कोई मर्सी दिखाई जाएगी भगवान के द्वारा आगे पोएट मॉक करता है उस नॉलेज को जो कि इंसान ने हिस्ट्री से पाई है क्योंकि वो कहता है कि हिस्ट्री कुछ नहीं है सिवाय बीइंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दैट जो कि हमारी वैनिटी को गाइड करता है सी हिस्ट्री हैज मेनी कनिंग पैसेजेस एंड ऑल जो ये नेक्स्ट लाइंस में बोलता है नेक्स्ट थ्री टू फोर लाइंस में जो ये कहता है देन हियर इन दिस लाइन बिगनिंग फ्रॉम हियर पोएट एक बार फिर से एक्सप्रेस करता है अपना दिस डिसबिलीव इन द नॉलेज जो कि हमें हिस्ट्री से मिली है जो की हमें हिस्ट्री ने दी है कहता है की हिस्ट्री हमें एक कंफ्यूज स्टेट में छोड़ती है एंड जहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस के लिए स्टाफ कर रहे हैं जो ये यहाँ पर शी बोल रहा है ना शी यहाँ पर हिस्ट्री को रेफर करता है यही जो डिस्गस्ट है राशनलिस्ट नॉलेज के प्रति पोएट का जो कि नॉलेज उसने हिस्ट्री के थ्रू पाई है ये सब आगे काफी लाइंस तक कंटिन्यू रहता है जो यहाँ पर ये लास्ट लाइंस में ट्री है ये वाला ये जो एडम और ईव का बिब्लिकल जो स्टोरी है कि वो जो ट्री ऑफ नॉलेज था जिससे फॉरबिडन फ्रूट खाना जिससे वो फ्रूट खाना मना था इट रेफर्स टू दैट क्या हुआ था कि जो उसने वो एप्पल खा लिया था उन्होंने उसकी वजह से जो एडम और ईव थे उन्हें पैराडाइज से निकाल दिया गया था तो कहता है कि जो अटेम्प्ट है नॉलेज को पाने का वो इसी की तरह है कि जो एडम और ईव ने कोशिश करी थी उस ट्री से फ्रूट खाने की और जिसकी वजह से उन्हें पैराडाइज से निकाल दिया गया था सो दैट अटेम्प्ट अटेम्प्टो नॉलेज पाने का इट इज सिमिलर टू दैट कि जो नॉलेज है दैट रिजल्ट इन टीयर्स इन वॉर्स एंड इन सफरिंग नाउ इन द नेक्स्ट यहाँ पर ये यह जो टाइगर है यहाँ पर जो पोएट है वो ये उम्मीद करता है कि क्राइस्ट द टाइगर जो है वो आएगा और हम सबको डिवाउर करेगा क्योंकि हम सब ही सिनर्स हैं, पापी हैं। नेक्स्ट ये वाली जो चार पांच लाइंस हैं, इनके अंदर जोरो आगे कहता है कि ही हैज नॉट येट कंप्लीटेड उसका जो अंडरस्टैंडिंग है इस सिचुएशन को लेकर वाइल्ड ही वॉज लिविंग इन द रेंटेड अकोमोडेशन यहां पर उसने बोला ना इन द रेंटेड हाउस एंड दिस रेंटेड अकोमोडेशन जो रेंटेड हाउस है ओन्ड बाय द ज्यू और हमें ये कैसे पता है दैट इट इज ओन्ड बाय बिकॉज़ शुरू में लाइन एट में फर्स्ट एंजा की पोइट ने हमें इन्फॉर्म किया था कि ज्यू स्कूट ऑन द विंडो सिल ओनर तो वी नो के जो ओनर है इट्स द जू पोएट जेरॉन्शन के थ्रू क्वेश्चन करता है इस कंटेम्प्रेरी नॉलेज को और जो हिस्टोरिकल प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हमें ये नॉलेज मिला है और जिसकी वजह से ये जो फेथ है या फिर भगवान से डर है उनके प्रति ये सब डीके हो गया है खत्म हो गया है कहता है कि जो वर्ल्ड है वो प्रोग्रेस कर रहा है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेफ भी हो रहा है आप यहाँ पर देखें आई वुड मीट यू अपॉन दिस ऑनेस्टली तो यहाँ पर जो पोएट है वो आपको इनवाइट करता है टू मीट अपॉन दिस और ऑनेस्टली आप बात करें लॉस के बारे में हिज रिमूवल फ्रॉम योर हार्ट हिज रिमूवल किसका रिमूवल अगेन ऑफ क्राइस ऑफ फेथ इस टांसा की लास्ट लाइन में अगेन जो स्पीकर है वो डिस्कस करता है लॉस को वो बात करता है उन पास को खोने की जो उसकी लाइफ में कुछ मीनिंग रखते थे दैट वर वर्थ समथिंग उसका जो पैशन है वो अब चला गया है जो लास्ट की दो लाइंस हैं वो अगेन डिपिक करती हैं कि जो स्पीकर का लॉस है ऑफिस सेंसेस के उसने अपनी सेंसेस को भी अब खो दिया है अगेन इसके लास्ट लाइन जो ये वाली है यहाँ पर पोएट एक्सप्रेस ये भी करता है कि जो उसकी अनसर्टेनिटी है ओवर द यूज ऑफ ऑल दिस नॉलेज फेथ इस्टेब्लिश करने के लिए एंड टू एस्टैब्लिश ऑर्डर ऑफ क्राइस्ट कमिंग ऑन टू द सेवन स्टैंड ऑफ द पोएम तो अब इन लाइन्स में यहाँ तक ओके okay, इस वाले वर्ड तक जो पोएट है वो अलग अलग इमेजेस के थ्रू एक्सप्रेस करता है कि इस डिस्गस्टिंग सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई भी तरीका नजर नहीं आता ऐसा लगता है कि पेसिमिज्म ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया है और ये जो पेसिमिज्म है ये वर्ल्ड वॉर की वजह से आया है अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये यह जो सब है ये प्रॉपर नेम्स उन्होंने यूज करे हैं एंड दिस रिप्रेजेंट्स द द द वर्ल्ड नाउ टिल एंड ऑफ स्टैंजा हियर यही पेसिमिस्टिक फीलिंग कंटिन्यू रहती है जब पोएट बात करते हैं अलग अलग जोग्राफिकल प्लेसेस की जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड हिस्ट्री में पुराने समय से जो फाइनल स्टांडा है पोएम का दिस वन एट ये सिर्फ दो लाइन हैं इसके अंदर फाइनली जो है एन ओल्ड मैन जो कि फेथ रिप्रेजेंट करता है और ह्यूमन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है ही इज ड्रिवन टू अ अनर और वो वहां पर एक स्लीपी और सॉम्बर स्टेट में है ये वाली जो लाइन है टेनेंट्स ऑफ द हाउस यहाँ पर ये जो हाउस है ये वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है तो जो जेरोशन है उसे इस हाउस के बाकी टेनेंट्स के साथ रखा गया है एंड अगेन इन द लास्ट लाइन यहाँ पर जो पोएट है वो जेरोशन के थ्रू अपना पेसिमिज्म एक्सप्रेस करता है एस

इन दिस काइंड ऑफ सोसाइटी जहां पर कोई वैल्यूज नहीं है एंड वॉट इट हैज रिजल्टेड इन अ वर्ल्ड वॉर तो जो पोएट है वो अपनी पेसिमिज्म की फीलिंग्स डिस्कस्ट की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है थ्रू तो जो पोएट है उसकी ये इच्छा है कि जो रिलीजियस फेथ की और जो ह्यूमेन वैल्यूज हैं जिन्हें खो दिया गया है इन द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग मटेरियल वेल्थ एंड मंडे नॉलेज उन चीजों को दोबारा से एस्टैब्लिश किया जाए ये पोएट का डिजायर है आई होप आपको समझ में आई होगी पोएम इफ यू डिड एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड कॉमेंट ऑन इट लाइक आई ऑलवेज से योर कॉमेंट्स मीन द वर्ल्ड टू मी इफ यूर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू नॉट फॉर टू सब्सक्राइब अगर आप चाहें तो मुझसे मेरे सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच